इनके जो है गले में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुंह में छाले हैं, आवाज नहीं निकल रही। कुछ बोलो, बोल के तो दिखाओ। नहीं बोला जा रहा। तो भाई अभी हो गया सीन। इन लोगों ने क्या किया भाई, काम करते करते जो है ना ऑयल गिरा लिया अपने ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गए। दिखाना कहाँ गिरा है, ये कपड़ों पे देखा सारा ऑयल ऑयल हो रहा है, और पैर पे भी जो है ऑयल, लेकिन गरम गरम ऑयल था, बच गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बचाया। ध्यान से काम किया करो ना पागल, मम्मा के तो नहीं जला। ओके लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको सेकंड सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई कल का जो है रोजा बहुत अच्छा गुजरा हमारा, बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरा, सुकून से जो है, बिल्कुल मौसम बहुत जबरदस्त है कराची का, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और जो है कल हुआ ये कि आपकी भाभी ने रोजा रखा था कल, तो इनके जो है मुंह में छाले हो गए, पता नहीं क्या हुआ, मुंह में मुंह खराब हो गया इनका, छाले छाले जबान पे निकल रहे, गले में दर्द हो रहा है, लेकिन ये फिर भी रोजा तो रखना है। वो उड़ गए हैं फिर से हमेशा की तरह सहरी की तैयारी करने के लिए। मगर मेरा कल का रोजा बहुत 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 अच्छा गुजरा, मतलब ना ही प्यास ना ही रोजा लग रहा था, और इनके घर में फर्स्ट मेरा रोजा था, मतलब फर्स्ट रमजान था। घर वाले भी बहुत याद आ रहे थे, वही सहरी में मम्मा जिस तरह हमें पराठे बना के देती थी, इफ्तार में टाइम पे मम्मा पकौड़े तल के लेकर आ रही होती थी, और पप्पा बोलते थे भाई जल्दी कर ले, मगर मेरे घर वाले मुझे बहुत याद आ रहे थे। मगर इन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा लगा मुझे रोजा खोल कर, और अब तो इंशाल्लाह हमेशा यही खोलना है। बिल्कुल, अब तो यही घर है, शादी के बाद जो है असल घर वही होता है जो आपके शोहर का होता है, वही घर होता है आपका। बिल्कुल, और जो है हमेशा खुश रहो, मेरी दुआ है हमेशा सलामत रहो, हमेशा मेरे साथ इसी तरह हमें तौफीक देते रहे रोजा रखने। आमीन आमीन। आप सब भी भाई रोजे रखो, इबादत करो, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखना। अगर हमसे कोई मतलब कोई बात हमारी बुरी लगी हो या हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें जरूर माफ कर देना आप लोग भी, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो जल्दी जल्दी से, ताकि हर ब्लॉग की तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे भाई। ठीक है, तुम लोग भी अपडेट रहो हमारे ब्लॉग से, पता चलता रहे तुम्हें। तो बस अब करते हैं जल्दी से सहरी की तैयारी आपकी। भाई रोजा कब खुलवाओगे, बाहर लेके कब जाओगे, निकल। बस ये हर बीवी की हर औरत की यही फरमाइश होती है, सहरी कराओ बाहर, इफ्तारी कराओ। तो अभी हाँ, तो भाई हम सहरी भी बाहर करेंगे, इफ्तार भी करेंगे, आप लोग व्लॉग देखना, और मेरी जिद होगी ये मुझे लेके जाएंगे बाहर। हाँ हाँ, सबर रखो बाबे, अभी तो रमजान स्टार्ट हुआ, इंशाल्लाह सबको लेके चलेंगे, पूरी फैमिली को इंशाल्लाह। तो आप करो सहरी की तैयारी, बनाओ पराठे शराठे चाय। मैं तो चाय रख भी दी, सालन भी गर्म कर लिया। तो बाबे ने जो है कोरमा बनाया था रात को, वो आज हम सहरी में खाने वाले हैं, साथ में वही अंडे चाय वाय पराठे सब कुछ, लस्सी वगैरह वो सब होगा, तो दिखाते हैं आपको। तो भाई ये आ चुका है हमारा कोरमा, गरम हो रहा है, यहाँ पे चाय बन रही है। मम्मा को नहीं उठाया, ठीक है भाई, मम्मा को जो है उठा दिया, मम्मा उठ रही है अभी। जब तक ये खाना वाना गर्म कर रही है, पराठे वराठे बनाना शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। पराठे मम्मा अच्छे बनाती है, बात तो सही है, मम्मा बनाएंगी, मम्मा पराठे बेलती हैं और मैं सीखती हूँ। वाह, बाकी जो है हमारे घर में तीन बादशाह हैं और हम सारे वजीर हैं, तो बादशाह सो रहे हैं, हमारे बादशाह सलामत तीनों, और जो हमारे बड़े बादशाह सलामत हैं वो सोते ही रहते हैं। पप्पा जी हमारे वो रोजा इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको शुगर है, और शुगर वाले रोजा नहीं रख सकते, वो इसलिए रोजा रखते हैं क्योंकि उनको शुगर वगैरह है, तो हम उनको खुद ही नहीं रख पाते। वो तो बहुत जिद करते हैं कि रोजा रखना है रखना है, मगर कशान बोलते हैं नहीं आप रोजा नहीं रखेंगे, क्योंकि शुगर वालों को ना एक तो क्या कहते हैं मेडिसिन भी खानी होती है, उसके अलावा उनको भूख लगती है और उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती, और वैसे भी आप लोगों को पता है वो काम पे जाते हैं, तो फिर सुबह सुबह जाते हैं वो 7:30 बजे और 12 बजे तक आ जाते हैं, तो इस वजह से हम उनको रोजा नहीं रखवाते। मगर ये है कि हम उनके लिए दुआ करते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारा रोजा उनका रोजा, उनका रोजा हमारा रोजा। वाह 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 माशाल्लाह। तो बस बस अल्लाह पाक उनको इसी तरह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने उसे ईमान में रखे। आमीन, वो आमीन। है तो हम है और कोई भी नहीं है भाई, माँ बाप से सब कुछ है। बिल्कुल बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है। तो जो है माँ बाप है तो सब कुछ है, बिल्कुल अल्लाह पाक आप लोगों के माँ बाप को भी, और जिनके नहीं है, जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनको भी, उनकी भी मकसद फरमाए। आमीन। तो बस लस्सी बनना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे अम्मा भी उठ गई है। दही चीनी खाऊंगी। क्यों? वाह भाई, तो आज ये लस्सी नहीं पी रही, यहाँ पे जो है पराठे बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये बात को नहीं उठाना आज, नहीं।
ये बात नहीं रखेगा रोजा, इसका भाई पेपर है सुबह, तो ये बात जो है आज रोजा नहीं रख रहा, इसलिए तो ये आ गया हमारे पास कोरमा, साथ में जो है अंडे वगैरह बन रहे, पराठे बन रहे हैं, लस्सी बन गई, लस्सी बन रखती है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है ना तैयारियाँ हो रही है चहरी की। मैं चकोर पराठा नहीं बनाना आता आपको, एक चकोर तो बनाओ जरा। अच्छा, ये टाइम है, अभी टाइम हमारे पास कम है। ये देखो चकोर, चकोर जल्दी बनते हैं। 10 मिनट आप खड़े होके नाचो करो शरीर। क्यों खड़े होकर शरीर करूँ, पागल हूँ। जाओ पहचान उनको, उठाओ मुँह हाथ धोएंगे, एक घंटा लगाएंगे। सो रहे दोनों लंबी तान के। तो भाई सहरी वगैरह हमारी लग चुकी है, बस स्टार्ट करते हैं। अक्षर जो है फ्रेश हो रहा है और यहाँ पे सास बहू बना रही है पराठे। आ जाओ सासू माँ और बहू माँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वाला ड्रामा देखा आपने? नहीं। हेलो भाई, आ गया है, अंडे हैं हमारे पास, कोरमा है हमारे पास, ये दही तो बाबे की है, और ये पराठे हैं, और सहरी ही बना, और जो है चाय लिया फटाफट, लस्सी वगैरह रेडी है, तो करते हैं जल्दी से सहरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो भाई सहरी करते हैं फटाफट से, सहरी के बाद मिलते हैं आप लोगों से। ओके, तो भाई सहरी तो कर ली है मैंने, अब पहनी आ गई है, इन्होंने पहनी आगे रख दी है मेरे, तो पहनिया खा लेते हैं। मम्मा ये कटोरा कौन से जमाने का है? मम्मा की शादी का है। जैसा पहनिया ने तो पेनी है ये पागल। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सहरी जो है कर चुके हैं, और वुज़ू वगैरह भी मैंने बना लिया, बस नमाज पढ़ने निकलना है अब जल्दी से। ये लोग भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं, वुज़ू वगैरह कर लिया, नियत कर ली है सबने। बाबे नमाज वमाज पढ़ो जल्दी से, वुज़ू करो, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अजान खत्म हो गई, अजान हो गई ये बोलो। हाँ भाई क्या हो रही है? याददाश्त चले गई इसकी, कौन हूँ मैं भाई? ये ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं कल, तो मैंने कहा मुझे भी लेके जाओ, मैं भाभी हूँ भाई, फर्स्ट रमजान है, फर्स्ट ईद आ रहा है, मैं कब जा रहा हूँ, अपने पास से बोले जा रही है। चलो जल्दी से नमाज पढ़ो, बाद जमात नमाज पढ़नी चाहिए, आप लोग तो भी बाद जमात नमाज पढ़ो करो भाई। ठीक है, देखा अक्सर शुरू शुरू में क्या होता है, खुशी खुशी जाते हैं, 5-6 रोजे भाई फजर, और फिर जो है जब थोड़ा सा रोजे हो जाते हैं ना 10-12, उसके बाद लोग क्या करते हैं घर में ही पढ़ना शुरू करते हैं फजर, और फिर सो जाते हैं, ऐसा होता है अक्सर, मैंने देखा। हाँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोजे की नियत हो चुकी है, मैंने रोजा रख लिया है, दूसरा रोजा मैं रख चुकी हूँ, और कशान भी जा चुके हैं भाइयों के साथ अपने नमाज वगैरह पढ़ने, मम्मा भी यहाँ पर नमाज अदा कर रही हैं, और मैं भी बस वजू वगैरह कर आई हूँ, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद कुरान पाक की थोड़ी सी तलावत करूंगी, फिर इंशाल्लाह सो जाऊंगी, फिर आपसे जोहर की नमाज में मिलूंगी। जब तक अपना रखें आप लोग ख्याल, इंशाल्लाह मिलते हैं जोहर की नमाज में। 5 hours later। अस्सलामुअलैकुम, तो भाई अभी अभी उठा तुम्हारा भाई, जोहर का टाइम हो चुका है, बस जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं नमाज। यहाँ पे जो है भाभी भी तैयार हो गए माशाल्लाह, इनके जो है गले में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुंह में छाले हैं, आवाज नहीं निकल रही, तो उसमें मेरी क्या गलती बाबे, मेरे से क्यों मुंह बनाया हुआ है, कुछ बोलो, बोल के तो दिखाओ। चलो भाई नमाज पढ़ो, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं हो, दवाई आपकी मैंने मंगा ली है, सही हो जाओगी, रोजे के बाद दवाई पीना। चलो नमाज पढ़ो जल्दी से, उसके बाद तैयारियां करो, मैं जो है आपकी हेल्प कराता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर जूस वगैरह बना लिए, ये कशान के भाइयों का, क्योंकि हम लोग ना रोजे लोग बहुत कम पीते, मेरे वशे के लिए मैंने टैंक बनाया है, और पापा शुगर फ्री पीते हैं, तो मैंने उनके लिए एक गिलास बना दिया, अब इसको हम लोग फ्रीजर करते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। रू अफजा वगैरह हमने बना दिया है, इसके अलावा यार केचप और ये सब रख देते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर तो हम लोग इफ्तार ही नहीं खोल सकते ना। हाँ तो भाई मैंने नमाज पढ़ ली थी जोहर की, कशान ने भी पढ़ ली थी, वो मम्मा के साथ गए फ्रूट्स वगैरह लेने, थोड़ा सा और सामान था, मम्मा ने बोला मेरे साथ चलो, तो वो मम्मा के साथ गए। जैसे आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, गले में बहुत शदीद दर्द है, पूरे मतलब छालों से भरा हुआ टॉन्सिल्स हो रहे हैं मुझे। आप लोग सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहतियाब करे, ताकि मैं आगे और इसी तरह रोजे रख सकू, क्योंकि मुझे रोजे पूरे रखने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलते हैं इफ्तार की तरफ, इफ्तार बनाते हैं, देखते हैं आज हम क्या क्या बनाएंगे, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो भाई मैंने यहाँ सारा फ्रूट काट लिया था, और ये बन चुके फ्रूट चाट, अब इसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, इसमें डाल के माशाल्लाह ये तैयार हो चुके हैं, अब इसको फ्रिज में रखते हैं। कैसा लग रहा है रोजा? नहीं क्या दवाइयाँ लेके आये आप, क्या ही है? यहाँ पे जो है दही बड़े बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं, आलू के पापड़ है, समोसे हैं, रोल है, सब कुछ तैयार हो रहा है यहाँ पे, और मम्मा ने जो है आज बनाया है पुलाव।
आलू का पुलाव बनाया है। ये दही बड़े बन चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बन रहे हैं पकोड़े, और ये आलू के पकोड़े बन चुके हैं। दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया क्योंकि साथ में इनको चाय भी चाहिए होती है, फौरन इफ्तार के बाद चाय चाहिए, सबको चाय होती है, हमें भी चाहिए। पापड़ भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम लोग करते हैं रोल फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोल हो गए फ्राई, अब उसको हम लोग निकालते हैं, अब डालते हैं समोसे। बिस्मिल्लाह। तो भाई अभी हो गया सीन, इन लोगों ने क्या किया भाई, काम करते करते जो है ना ऑयल गिरा लिया अपने ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गए। दिखाना कहाँ गिरा, ये कपड़ों पे देखा सारा ऑयल ऑयल हो रहा है, और पैर पे भी जो है ऑयल, लेकिन गरम गरम ऑयल था, बच गए। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने बचाया। ध्यान से काम किया करो ना पागल, ध्यान से। ये मुझे बोल रहे हैं, हाँ करो, आपकी वजह से तो ध्यान से काम करता है। तो भाई यहाँ पे इफ्तार की तैयारियाँ चल रही है, चने बन गए, पापड़ बन गए, पकोड़े, दही बड़े, समोसे, रोल, फ्रूट चाट, और क्या है, जल्दी जल्दी निकालो भाई। चावल पकाए मम्मा ने, बिरयानी का क्या करना है, हैं? बिरयानी क्यों खाओगे, चावल पकाए ना मम्मा ने। माफ करो बेटा, अल्लाह भला करेगा। कैसा गुजारा आपका रोजा आज का, ये बताओ। तेल फेंक दिया आपने, ऑयल फेंक दिया आपने ऊपर, मम्मा के तो नहीं जला, मम्मा के नहीं, अल्लाह ने बचा लिया। रोजा कैसा गुजर रहा है बताओ? रोजा अच्छा गुजर रहा है, मगर गले में दर्द है, सही नहीं हुआ अभी तक। आज हम लोगों ने बनाया है, फ्राई किए, और मैंने पापड़ भी बनवाया, मम्मा से पापड़ मंगवाए थे, मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह वाह, फ्रूट चाट है, पकौड़े हैं, आज आपकी मन पसंद डिश बनाई है, दही बल्ले। वाह 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 वाह, अब दही बड़े बोलते ना हम लोग, दही बल्ले बोलते हैं, दही बल्ले ही होता है। और मैं खाऊंगा खरबूजा। खरबूजा नहीं है आज इसमें, हमने चाट मसाला कम डाला, कल आपने बनाई थी ना, आपका हाथ लगा था गंदा, जब इसमें इतना चाट मसाला हो गया था। ये वाली फ्रूट चाट मैं खा लूंगी, क्रीम वाली बनाना अब कल। निकल, दो दरिया पे जाके सैरी करेंगे, दो दरिया जाके सैरी करेंगे भाई, हम तो नहीं जाएंगे। अशर जाएगा, अशर जाएंगे, दो दरिया और सैरी का मजा आता है वहाँ, सनसेट हो, अजाने हो। मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अता किए हुए रिस्क से इफ्तार किया। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा खोल लिया है, सफाई वगैरह भी कर ली, बर्तन वगैरह भी धो लिए, बस वजू बनाया है, नमाज़ की तैयारी कर रही हूँ। कशान भी जा चुके हैं अपने भाइयों के साथ नमाज़ वगैरह पढ़ने, मम्मा भी यहाँ पर अपनी नमाज़ अदा कर रही हैं, और मैं भी बस नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। फिर इसके बाद चाय बनाई है, फिर हम सब चाय पियेंगे, क्योंकि वो तो आप लोगों को पता है, आप लोग भी शायद, आप लोग घर में होता है कि नहीं होता पता नहीं, मगर हमारे घर में तो लाजमी होता है। इफ्तार की, बर्तन वगैरह वॉश किए, नमाज़ पढ़ी, और फौरन चाय, क्योंकि पूरे दिन की चाय नहीं पीती, सर में दर्द हो रहा होता है, लाजमी चाय चाहिए होती है। मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन इफ्तार के बाद चाय पीता है। खैर चलो, मैंने जानमाज बिछा लिया यहाँ पर, नमाज अदा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, नमाज पढ़ ली है और अभी बारी है हमारी चाय की, तो चाय पी लेते, क्योंकि रोजे के बाद जो है मुझे चाय की बड़ी तलब लगती है, आप लोगों को पता है मैं चाय बहुत पीता हूँ शौक से। तो जो है चाय वाय पी लेते हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, आई होप आपको लोग पसंद आया हुआ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, इसी तरह प्यार देते रहो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, बाय बाय।